हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ हिमांशु अग्रवाल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ग्राफ थ्योरी, ग्राफ जैसे वाई बराबर एक्स का, एक्स स्क्वायर का, एम एक्स प्लस सी का, डिराक डेल्टा का, कैसे ग्राफ बनते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिए थे, होमवर्क दिया था, तो अभी उनके आंसर देख लेते हैं और जल्दी से। वाई इज इक्वल टू 5 - 4x। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इस मोड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको जीरो के बराबर कर दो। 5 - 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, दैट मींस 5/4 पे ग्राफ डिफाइन होगा। अब सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन। दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, देखो इस मोड को अपन को ओपन करना है तो कैसे करेंगे, 5x ग्रेटर देन 5/4 एंड एक्स लेस देन 5/4। ये कैसे आया मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देखना, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो जब ग्रेटर देन 5/4 होगा यानी कि 6/4, अगर मैं 6/4 लाइन रखूंगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 6, 5 माइनस 6 माइनस 1, तो ये माइनस में खुलेगी क्वांटिटी, तो बाहर माइनस में लगा के खुलेंगे तो -5 + 4x। ये क्या हो जाएगा, लेस देन 5/4 होगा तो प्लस में खुलेगी, तो क्या हो जाएगा 5 - 4x। तो ये कर्व अपने को ड्रॉ करना है, ये मैं यहां मान लेता हूं 5/4। ओके, 5/4। ठीक है, देखो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, नेचर कैसा आएगा, y इज इक्वल टू x का। y इज इक्वल टू x का कैसे आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, y बराबर x का ऐसे आता है। अगर इंटरसेप्ट होगा तो क्या, तो ऐसे आएगा क्या, ऐसे आएगा, डिपेंड करता है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अपने पास में इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो नीचे से जाएगा, तो ये अपने पास में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बट किसके लिए बनाना है, ग्रेटर देन 5/4, ग्रेटर देन 5/4 इससे इधर, तो इधर वाला हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 - 4x का नेचर, y बराबर -x का, y बराबर -x का नेचर मैंने ऐसे बताया था। इंटरसेप्ट क्या है अपने पास में, पॉजिटिव, तो यहां पे ऊपर से जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए बनाना है, लेस देन 5/4 के लिए, लेस देन 5/4 के लिए ये हो जाएगा। ओके, तो ये अपना ग्राफ बन गया इसका। अपने को y डबल डैश निकालना है, y डैश निकालेंगे तो यहां +4 बचेगा, यहां -4 बचेगा, ग्रेटर देन 5/4 के लिए एंड लेस देन 5/4 के लिए। ओके, ग्राफ बनाएंगे तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, वाई बराबर वाई डैश है, नॉट वाई, वाई डैश बराबर 4, ये कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो वाई की वैल्यू हमेशा 4 आएगी। यहां पे मैं +4 मान लेता हूं, यहां पे मैं -4 मान लेता हूं, ये मेरा 5/4 है। ठीक है, ऐसे बनता है, लेकिन ग्रेटर देन 5/4 के लिए बनाना है, तो ग्रेटर देन 5/4 कहां पे है, यहां पे इसके इधर बनाना है, तो ये वाला ग्राफ हट जाएगा यहां से। ठीक है, ऐसे ही -4 ये वाली लाइन आएगी, लेकिन लेस देन के लिए बनाना है तो ग्रेटर देन वाली हट जाएगी, तो अपने पास में ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अपने को y डबल डैश निकालना है, y डबल डैश, तो मैंने क्या तरीका बताया था, सबसे पहले तो जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा होता है वहां पे अपन डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 5/4 पे देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि x बराबर 5/4 पे y की वैल्यू कितनी है, y डैश की वैल्यू कितनी है, +4 भी हो सकती है -4 भी, यानी कि x की एक वैल्यू के लिए y डैश की दो वैल्यू डिफाइन हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अपन डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करते हैं, x माइनस कहां पे इंट्रोड्यूस करना है, 5/4 पे, तो ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी विड्थ कितनी है, +4 ऊपर -4 नीचे, टोटल 8 हो गई, ये 8 इसकी विड्थ हो जाएगी। ठीक है, अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पहले डाउन आ रहा है फिर अप आ रहा है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये तुम्हारा आंसर होता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, कैसे भी कर लेना। नेक्स्ट अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन,
मैं इसको थोड़ा स्पीड से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी दो तीन क्वेश्चन इसके बता चुका हूं। माइनस फाइव माइनस एक्स, सबसे पहले क्या काम करेंगे, माइनस फाइव माइनस एक्स बराबर जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, ठीक है। तो इसको जब अपन मोड को ओपन करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव एंड एक्स लेस देन माइनस फाइव। जब ग्रेटर देन माइनस फाइव होगा तो यानी कि एक तरह से अपने मान लो एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस सिक्स प्लस के अंदर खुलेगा माइनस फाइव माइनस एक्स खुलेगा। जब लेस देन माइनस फाइव होगा तो लेस देन माइनस फाइव होगा, मान लो यहाँ पर माइनस फोर है तो माइनस माइनस प्लस फोर, तो नेगेटिव के अंदर खुलेगा, नेगेटिव के अंदर खुलेगा तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस एक्स ही हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें एक बार चेक कर लीजिएगा, जब माइनस में खुलेगा तो ठीक है ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स लेस देन माइनस फाइव यानी कि माइनस फोर लेंगे, ये प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे आएगा इसका ग्राफ, एक्स वाई, माइनस फाइव किधर होगा, ये ओरिजन है, माइनस फाइव मैंने मान लिया इधर है, ठीक है। जब ग्रेटर देन माइनस फाइव होगा तो माइनस फाइव माइनस एक्स, माइनस एक्स का नेचर, माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ये नीचे से चला जाएगा। किसके लिए बनाना है, ग्रेटर देन माइनस फाइव के लिए, दैट मीन्स ग्रेटर देन माइनस फाइव दैट मीन्स इससे इधर, ये हट जाएगा यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइव प्लस फोर फाइव प्लस एक्स, नेचर कैसे आता है प्लस एक्स का, ऐसे नेचर आता है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो तुम्हारे पास में ऊपर से चला जाएगा। बट अपने को क्या करना है, ग्रेटर देन के लिए लेना है, लेस देन के लिए लेना है, लेस देन के इधर हो जाएगा तो ये हट जाएगा यहां से, तो तुम्हारे पास में ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा। अब वाई डैश निकालते हैं तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और दिस इज प्लस एक्स, सॉरी माइनस वन एंड प्लस वन, जब एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव हो, जब एक्स लेस देन माइनस फाइव हो। इसका ग्राफ बनाते हैं, दिस इज एक्स, ये वाई डैश, माइनस वन का ग्राफ कैसे बनता है, ये बन गया, ग्रेटर देन माइनस फाइव के लिए माइनस फाइव यहां पे मान लेते हैं, ग्रेटर देन माइनस फाइव के लिए इधर हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा यहां से, ठीक है। लेस देन माइनस फाइव इधर हो जाएगा, प्लस वन यहां पे अपन क्या मान लेते हैं, प्लस वन मान लेते हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने को लेस देन के लिए बनाना है, लेस देन इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ हो गया। वाई डबल डैश निकालना हो तो कहां पे डिफाइन नहीं हो रहा है, माइनस फाइव पे डिफाइन नहीं हो रहा है, डेल्टा एक्स माइनस माइनस फाइव तो क्या हो जाएगा, प्लस फाइव। विड्थ कितनी है, वन वन टू इसकी विड्थ हो गई, पहले लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पहले डाउन फिर अप आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ये आंसर है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया। अच्छा नेक्स्ट, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने एक शायद ये एग्जांपल देख लिया था ना, y इज इक्वल टू x माइनस वन x प्लस वन x माइनस टू x प्लस टू, ये अपन ने एग्जांपल देख लिया था, इसका ग्राफ बना लिया था। इसी टाइप के अपन एक दो एग्जांपल और करते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ओके, इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो तरीका मैंने क्या बताया था, तुम्हें नेचर याद होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था y बराबर x, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x क्यूब, y बराबर x फोर x फाइव, ये ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अगर तुम्हें नेचर याद होगा इनका तो तुम अदर ग्राफ भी अच्छे से, जैसे जो बड़े ग्राफ आएंगे वो भी तुम अच्छे से बना सकते हो, जहां पे y की वैल्यू कहां कहां पे जीरो हो रही है, x बराबर वन पे जीरो हो रही है, x बराबर टू पे जीरो हो रही है, x बराबर थ्री पे जीरो हो रही है, ठीक है, ये वन ये टू ये थ्री यहां पे जीरो हो रही है, ठीक है, y की वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट देखो, मैंने क्या बताया था, वन एंड टू, वन एंड टू के बीच में एट x इज इक्वल टू 1.5 रख लेता हूं मैं,
तो y बराबर देखो क्या आएगा, 1.5 माइनस 1, कुल मिला के पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी ये, उसके बाद में ये नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 1 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव बनाएगा। ऐसे ही तुम्हें 2 और 3 के बीच में चेक करना है, मैं x इक्वल टू 2.5 पे चेक करता हूँ, चेक करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास में y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद में उस ग्राफ का नेचर कैसा आएगा वो देखना है। नेचर मैंने क्या बताया था, x की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, x की पावर मैक्सिमम कितनी है, x स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर को x से करेंगे तो x क्यूब होगा। x क्यूब का ग्राफ कैसे बताया था मैंने, इस टाइप का बताया था। तो नेचर इसका, इसके एंड पॉइंट पे नेचर ऐसा ही आएगा, कहने का मतलब ये तो यहां से ऊपर जाएगा और ये यहां से क्या आएगा, नीचे आएगा। आप चेक कर सकते हो, x बराबर 0 रखो, 0 रखेंगे तो -1 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 and -6, दैट मींस यहां पे ये वैल्यू -6 आएगी, ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, x -1 x+1 x -2 x+2, ये शायद मैंने ग्राफ बता दिया था, इससे मैंने मल्टीप्लाई एडिशनल क्या किया है, x को एडिशनल मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। वही काम करना है सबसे पहले, दिस इज x एंड दिस इज y, ये ओरिजिन है। y की वैल्यू 0 कहां कहां पे हो रही है, एक तो 0 पे भी 0 हो रही है, एक 1 पे हो रही है, एक 2 पे हो रही है, एक -1 पे हो रही है, एक -2 पे हो रही है, ठीक है। इसके बाद में एट x इज इक्वल टू 0 और 1 के बीच में 0.5 रख लेता हूं मैं, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये तो पॉजिटिव आ गई, ये नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, दैट मींस पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 1 से 2 के बीच में चेक करोगे तो नेगेटिव आएगी, चेक कर लेना। -1 से 0 के बीच में चेक करोगे तो, -1 से 0 के बीच में चेक करोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। -2 से -1 के बीच में चेक करोगे तो पॉजिटिव आएगी, चेक कर लेना। अच्छा, इसका नेचर कैसा आएगा, इसका नेचर देखना कैसा आएगा, x2 x3 x4 x5 का नेचर x क्यूब की जैसे, यानी कि इधर से भी ऊपर जाएगा और इधर से ये जाएगा, ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं बताता हूं, y = -x x-1 x+1 x-2 x+2, ये वाला ग्राफ बनाना है, ठीक है। सेम प्रोसेस है बिल्कुल, ये x, ये y, ये ओरिजिन, y की वैल्यू 0, 0 पे हो रही है, 1 पे हो रही है, 2 पे हो रही है, -1 पे -2 पे, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0.5, 0 से 1 के बीच में रख रहा हूं मैं, तो ये वैल्यू नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव आएगी इस बार वैल्यू इसकी, ये हो जाएगा, इसके बाद में पॉजिटिव आएगी, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। नेचर देखो इसका, नेचर कैसा है, x2 x3 x4 x5, बट यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो इसका नेचर हो गया y = -x^5, प्लस का नेचर होता है इस टाइप का, एंड माइनस का जो नेचर होता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट इस टाइप का, तो इसका मतलब ये तो नीचे की तरफ जाएगा और ये कहां जाएगा, ये ग्राफ, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये सभी ग्राफ्स काम में आएंगे जब तुम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अपन, क्वांटम मैकेनिक्स हो, क्लासिकल मैकेनिक्स हो, ईएमटी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो, थर्मोस्टेट्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो, सभी मैथमेटिकल फिजिक्स हो, सभी के अंदर ये काम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, y = x²x-2, इसका ग्राफ बनाना है, तो सिंपल है इसका ग्राफ बिल्कुल, क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो x³ - 2x², ठीक है। इसके बाद में क्या करो, मैंने तुम्हें नेचर देखना बताया था। अच्छा, x की जब वैल्यू लो होती है तो कौन सी वैल्यू डोमिनेट करेगी, ये वाली करेगी या फिर ये वाली करेगी, डोमिनेट कौन सी करेगी,
देखो मैं 0.1 लेता हूं, तो देखो x क्यूब तो क्या बनाएगा, 0.1 का क्यूब दैट मींस 0.001, x स्क्वायर क्या बनाएगा 0.1 का स्क्वायर दैट मींस 0.01, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटी हो गई ना, तो ये डोमिनेंट नहीं करेगी, डोमिनेंट कौन सी करेगी, ये वैल्यू करेगी। तो x की लो वैल्यू के लिए y कहां पे डोमिनेंट करेगा, ये वाला x स्क्वायर नहीं -2x2। y बराबर x स्क्वायर का नेचर कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। अपने को नेचर कैसे बताना है, माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो इसको नीचे की तरफ बना दो लो वैल्यू के लिए, ठीक है। हाई वैल्यू के लिए नेचर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का नेचर कैसे होता है, इस टाइप का, तो इसको दो ऊपर बढ़ा दो यहां से, इसको नीचे की तरफ। देखो हायर वैल्यू के लिए नेचर देखो एक्स क्यूब का आ रहा है क्या, लो वैल्यू के लिए नेचर माइनस एक्स स्क्वायर का आ रहा है, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ काम में आएंगे आगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, y इक्वल टू x इंटू मोड x, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है IISc जो बैंगलोर है वहां पे इंटरव्यू के अंदर पूछा हुआ है, x इंटू मोड x का ग्राफ बनाइए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है तरीका, मोड को खोलने के लिए इसके अंदर जो क्वांटिटी बराबर जीरो कर दो, तो x बराबर जीरो ही आएगा, x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा प्लस एक्स स्क्वायर, जब लेस देन जीरो होगा तो ये नेगेटिव में खुलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ग्राफ बनाओ इसका, दिस इज एक्स दिस इज वाई, ठीक है। वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है क्या, ऐसे बनता है। किसके लिए बनाना है, ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ग्रेटर देन जीरो इधर है तो लेस देन जीरो वाला मिटा दो। y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। किसके लिए बनाना है, लेस देन जीरो के लिए, यानी जीरो से इधर वाली क्वांटिटी के लिए बनाना है, तो ये मिटा दो, तो तुम्हारा ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू x इनटू मोड x का। अच्छा तुम घर से ट्राई करना, अगर तुम्हारे पास में ये है तो तुम्हें y ट्रिपल डैश की वैल्यू, यानी कि y की तीन बार डिफरेंशिएशन की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ये घर से ट्राई करना, ठीक है। हो गए, अभी आगे अपन और भी देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट चलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर मोड x, e टू द पावर माइनस मोड x, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ देखेंगे। अच्छा जब तुम स्टेप पोटेंशियल प्रॉब्लम में आएंगे, स्टेप पोटेंशियल्स पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पढ़ेंगे, उसके अंदर जैसे मान लो ये अपने पास में स्टेप पोटेंशियल है, एच बराबर जीरो पे पोटेंशियल यहाँ पे वी नोट है, एनर्जी की लाइन ये है तुम्हारे पास में, यानी जो ई है वो लेस देन बी है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस केस के अंदर इस रीजन में वेव फंक्शन क्या होगा, इस रीजन में वेव फंक्शन क्या होगा, उसके लिए तुम्हें ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, इन सबके ग्राफ आने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला देखते हैं अपन y इज इक्वल टू e टू द पावर x, दिस इज x दिस इज y ओरिजिन। फर्स्टली क्या करेंगे, मैंने तरीका बताया था, तीन पॉइंट रखते हैं, x बराबर जीरो पे y बराबर क्या आएगा, e टू द पावर जीरो वन, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे y क्या आएगा, e की पावर इनफाइनाइट infinite, x is equal to minus infinite पे y क्या आएगा, e to the power minus infinite, e to the power minus infinite 1 upon e to the power infinite 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे 1, ठीक है। infinite पे यानी कि x value infinite इधर है, y की value क्या आएगी, infinite, infinite पे infinite, that means ये चलता जाएगा, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट x बराबर माइनस इनफाइनाइट इधर है, y की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू जीरो वाली लाइन ये है, ये तुम्हारे पास में, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट पे जीरो की तरफ जा रहा है,
प्लस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, जीरो पे ये वन है। ठीक है, तो आगे से तुम्हें इसका नेचर याद करना है। कोई तुम्हें पूछे वाई बराबर ए की पावर एक्स का ग्राफ, तो तुम्हें डायरेक्ट ये बनाना है, ना कि तुम ये पॉइंट रख के देखो। ये एक तरीका है अगर भूल जाओ तो, बस तुम्हें इसका नेचर याद रखना है। नेक्स्ट लिखते हैं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, पॉइंट रखो x इज इक्वल टू जीरो पे y इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे e की पावर माइनस इनफाइनाइट बताया था मैंने, y इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट। दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, जीरो पे वन यहां हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट पे जीरो, एक्स की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू, वाई की वैल्यू कहां हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इनफाइनाइट पे जाके, ऐसे चलता जाएगा। एक्स की वैल्यू जब माइनस इनफाइनाइट होगी तो वाई की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट ऊपर की तरफ, तो ये तुम्हारे पास में है। दैट मींस आगे से तुम्हें पता होना चाहिए, अगर वाई बराबर ए की पावर माइनस एक्स का नेचर हो तो ऐसा होगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू e टू दी पावर मोड x, इसका ग्राफ बनाना है साथ में, देन y डबल डैश क्या हुआ ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं y इज इक्वल टू पावर मोड x का ग्राफ। इसको ओपन करने का तरीका मैंने बताया था, x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, जब लेस देन जीरो होगा तो ये नेगेटिव के अंदर खुलेगा। ये आ जाएगा, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन। y बराबर e की पावर x का नेचर मैंने बोला था याद करने को, ऐसे आ जाएगा। किसके लिए बनाना है ये ग्राफ, ग्रेटर देन जीरो के लिए। ग्रेटर देन जीरो इधर है, ये लो बन गया। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स का नेचर बताया था मैंने, ये प्लस वन है, ऐसे होता है। किसके लिए बनाना है ये, लेस देन जीरो के लिए। लेस देन जीरो इधर है, ये हो गया तुम्हारे पास। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। अब क्या करें, वाई डैश निकालते हैं। वाई डैश क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, माइनस e की पावर माइनस x का माइनस आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस x, x लेस देन g। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x y ओरिजिन, ये y डैश है, e टू दी पावर x का नेचर ये होगा, लेकिन किसके लिए बनाना है, ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हो जाएगा। ठीक है, e टू दी पावर माइनस एक्स, देखो e टू दी पावर माइनस एक्स का नेचर क्या होता है, ऐसे होता है, लेकिन तुम्हें क्या बनाना है, माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, तो जस्ट इसके अपोजिट इनके माइनस वन मान लो, तुम्हारे पास में ये बन जाएगा, ये बनेगा ना, ये माइनस वन मान लो तुम्हें, ये इसका ग्राफ बन गया तुम्हारे पास में। लेकिन किसके लिए बनाना है, लेस देन जीरो के लिए, तो ये हटा देंगे अपन, ग्रेटर देन जीरो वाला, लेस देन जीरो के लिए बन गया। ठीक है, अपने वो क्या निकालना है, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश। ठीक है, देखो डिफ्रेंशिएट करो इसको, e टू दी पावर x ही होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो वापस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस x, x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो। ठीक है, देन y डबल डैश, देखो इधर सबसे पहले तो जब अपने पास में ये था तो क्या ये x बराबर जीरो पे डिफाइन हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो अगर अपन इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दूसरी चीज देखो, y डबल डैश किसके बराबर आ रहा है, ये क्वांटिटी क्या है तुम्हारे पास में, देखो क्वेश्चन जो y है वही है क्या, ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो y डबल डैश y के बराबर होगा, साथ में y डैश डिफाइन नहीं हो रहा था इसलिए डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस होगा। डिराक डेल्टा क्या होता है, डेल्टा किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा, x माइनस किस पे नहीं हो रहा, जीरो पे, तो डेल्टा x लिख सकता हूं इसको मैं। विड्थ देखो ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, विड्थ कितनी है, टू इसकी विड्थ है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेफ्ट टू राइट, चलो पहले डाउन फिर अप, तो क्या है तुम्हारे पास में, पॉजिटिव क्वांटिटी।
ये तुम्हारे पास में आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, y is equal to e to the power minus mod x, then y double dash तुम्हें बताना है, ठीक है। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, x greater than 0, x less than 0, greater than 0 होगा तो पॉजिटिव में खुलेगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, less than 0 होगा तो नेगेटिव में, नेगेटिव बाहर भी है, प्लस x, दिस इज x, दिस इज y, x बराबर 0, देखो e टू दी पावर माइनस x का नेचर कैसे होता है, ये e टू दी पावर माइनस x का नेचर होता है, ठीक है। लेकिन किसके लिए बनाना है अपने को, ग्रेटर देन 0 के लिए, ये बन जाएगा, ठीक है। e टू दी पावर प्लस x का नेचर कैसे होता है, ये e की पावर प्लस x का नेचर होता है, किसके लिए बनाना है, लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 के लिए इधर वाला हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास में ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं y डैश निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस e टू द पावर माइनस x ग्रेटर देन 0 के लिए एंड e टू द पावर x लेस देन 0 के लिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन अभी मैंने बताया था e टू द पावर माइनस x ये होता है, अगर माइनस लग जाता है जस्ट इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये ग्राफ अपने पास में कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन किसके लिए बनाना है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 इधर वाला है, लेस देन 0 के लिए की पावर x, ये हो जाएगा, लेकिन लेस देन 0 के लिए बनाना है, इधर वाले के लिए बनाना है, ये हो जाएगा, ये तुम्हारे पास ग्राफ बन जाएगा। अपने को y डैश, अपन जो इंटरेस्टेड है वो y डबल डैश के अंदर है, डिफरेंशिएट करो e टू द पावर माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए एंड लेस देन 0 के लिए e टू द पावर x ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या ये सेम वैल्यू है जो y की वैल्यू थी, साथ में क्या y डैश 0 पे डिफाइन हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो क्या करेंगे अपन, डिराक डेल्टा को इंट्रोड्यूस करेंगे, कहां पे 0 पे x माइनस 0 x ही होगा, ये प्लस 1 है, ये माइनस 7 है, तो विड्थ कितनी हो गई इसकी, 2 इसकी विड्थ हो गई। अब देखो लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, पहले क्या आ रहा है अप, फिर क्या आ रहा है डाउन, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, नेगेटिव साइन, अगर पहले डाउन फिर अप आता है तो पॉजिटिव आएगा, अगर पहले अप और राइट फिर डाउन आता है तो नेगेटिव। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था, अगर तुमने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस टेन कोसेक सेक को, ठीक है। तो अपन इसको देखो, हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि थोड़ा मैं जल्दी फास्ट चल रहा हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें वो प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। और वैसे भी मैंने बोला था कि जो ग्राफ थ्योरी है उसके अपन 4 से 5 लेक्चर लेंगे, क्योंकि अगर ये वाली ग्राफ थ्योरी अगर तुम्हें समझ में आ गई तो आगे अपन जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उन सब में जो भी ग्राफ्स बनाएंगे वो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो वहां पर अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अगर अपन यहाँ से समझ लेते हैं तो, ठीक है। अपन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ देखते हैं, फर्स्टली अपन देखते हैं y इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, ये लगभग तुम्हें सबको आते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। x y ये ध्यान रखना, साइन x जो होता है वो ओड फंक्शन होता है, फंक्शन से भी चेक कर सकते हैं, x बराबर माइनस x रखेंगे देन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये ओड फंक्शन होता है, कहने का मतलब ये पॉइंट सिमेट्री होगा। अच्छा इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वैरी करती है,
माइनस वन से प्लस वन तक, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन हो सकती है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो सकती है। इसका जब ग्राफ बनाएंगे, सबको आता है ग्राफ इसका, साइन जीरो की वैल्यू देखेंगे जीरो, पाई बाई टू की वैल्यू देखेंगे तो वन, पाई की वैल्यू देखेंगे तो जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूं, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है, ये ओरिजिन है इसका, दिस इज एक्स एक्सिस। चेक कर सकते हो क्या पॉइंट सिमेट्री है, अगर मैं यहां पे कोई बैरियर रखता हूं तो जैसे देखो इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, जैसे इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, दिस इज पॉइंट सिमेट्री, सो दिस इज ऑड फंक्शन। सेकेंड वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू भी तुम्हारे पास में प्लस वन से माइनस वन, यानी माइनस वन से प्लस वन तक वेरी करती है, बट अगर कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस कोस थीटा, सो दिस इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होता है तो एक्सेस सिमेट्री होगा या पॉइंट सिमेट्री होगा, एक्सेस सिमेट्री होगा, ये मैंने लेक्चर फर्स्ट में बता दिया था ग्राफ थ्योरी के, ये एक्सेस सिमेट्री होगा, दैट मींस अगर मैं यहां पे बैरियर रखता हूं तो जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बनेगा, ठीक है। कोस जीरो की वैल्यू वन होती है तो यहां से स्टार्ट होगा ये, ये बन जाएगा, जैसे इधर बन रहा है वैसे इधर बना दो, ठीक है, ये तुम्हारे पास में y इक्वल टू cos x का ग्राफ हो गया। थर्ड देखते हैं अपन, y इक्वल टू tan x, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, sin x by cos x, ये odd फंक्शन है, ये even फंक्शन है, तो टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, odd by even, odd होगा, that means minus upon plus, अपन compare कर सकते हैं, minus upon plus minus। इसका ग्राफ पर देखना अच्छे से, मैं इसका यहां पे बना रहा हूं, एक्स वाई ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि टेन की वैल्यू कहां कहां पे इनफाइनाइट होती है, पाई बाई टू पे इनफाइनाइट होती है, थ्री पाई बाई टू पे इनफाइनाइट होती है, फाइव पाई बाई टू पे इनफाइनाइट होती है, ऐसे ही माइनस पाई बाई टू पे इनफाइनाइट होगी, माइनस थ्री पाई बाई टू पे इनफाइनाइट होगी, माइनस फाइव बाई टू पे इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसे आगे चलता जाएगा तुम्हारे पास। देखो जीरो पे क्या, अच्छा जहां पे इनफाइनाइट हो रही है वहां पे डॉट डॉट लाइन बना लो, ये थोड़ा सा आसान रहेगा अगर ये कर लेंगे तो अपन, ठीक है, जीरो पे जीरो, फाइव बाई टू पे इनफाइनाइट, ऐसे हो जाएगा, माइनस फाइव टू भी इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। अब देखो तरीका बताता हूं, कई बार कई कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद में नीचे से जाएगा या ऊपर से जाएगा, ये बना लिए ना, जो अपन ने डॉट डॉट लाइन बनाई है उसके एक तरफ तो ऊपर भी लाइन आएगी और एक नीचे भी लाइन आएगी, दैट मीन्स पाई पे जीरो होता है, इसके ऊपर तो आ चुकी लाइन, ये नीचे भी आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ही थ्री पाई बाई टू के ऊपर आ चुका है, नीचे भी आ जाएगा, टू पाई पे जीरो होती है, ऐसे तुम्हारे पास में यहां पे हो जाएगा, इसके नीचे आ चुका, ऊपर लाइन आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये तुम्हारे पास में टेन एक्स का ग्राफ हो जाएगा, वाई इक्वल टू टेन एक्स का, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में y इक्वल टू कोट x, ठीक है, y इक्वल टू कोट x का ग्राफ कैसे आएगा, x y ओरिजिन, जहां पे सबसे पहले इनफाइनाइट होती है वैल्यू वो देख लो, पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, ठीक है। कहां कहां इनफाइनाइट होती है, एक तो जीरो पे होती है, एक पाई पे होती है, एक टू पाई पे होती है, एक माइनस पाई पे होती है, एक माइनस टू पाई। अच्छा मुझे कैसे पता एक पे इनफाइनाइट होती है, खोल लो इसको, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स,
साइन की वैल्यू कहां कहां पे जीरो होगी, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई पे, तो जीरो वैल्यू होगी, तो कोई भी संख्या में अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट वैल्यू आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो पाई बाई 2 पे ये जीरो जाएगा, वन जीरो पॉइंट जी वन जीरो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीरो पे इनफाइनाइट जाएगी, पाई पे भी इनफाइनाइट जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इस पाई पे नीचे की तरफ आ गया, अब ऊपर की तरफ आएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। ऐसे ही जीरो पे ऊपर की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आएगा, ये ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू कोट एक्स कर। नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू सेक x, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई कोस x। अच्छा एक चीज और, यहां पे जो कोट है ये भी कैसा होगा, ओड फंक्शन होगा, बिकॉज इसमें साइन आ रहा है, ये इवन ये ओड, तो ओड हो जाएगा। चेक कर लो क्या पॉइंट सिमेट्री है, जैसा इधर बन रहा है पॉइंट मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बनेगा, जैसा इधर है वैसा इधर। ठीक है, कोस क्या होता है इवन, वन अपॉन इवन इवन, तो ये इवन फंक्शन होगा, तो एक्सेस सिमेट्री होगा, जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर होगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये जीरो, पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू टू पाई, माइनस पाई बाय टू माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस टू पाई। ठीक है, सबसे पहले कोस जीरो की वैल्यू वन, तो जीरो पे तुम्हारे पास में ये वन आएगा। अच्छा इनफाइनाइट कहां कहां पे होगा, कोस की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, कोस की वैल्यू जीरो क्योंकि वन अपॉन जीरो तभी तो इनफाइनाइट होगा, ये जीरो कहां कहां पे होती है, पाई बाई टू पे होती है, यहाँ पे डोटो प्लान बना लो, थ्री पाई बाई टू पे होती है। ठीक है, ऐसे फाइव पाई बाई टू पे, इधर भी माइनस पाई बाई टू पे, माइनस थ्री पाई बाई टू पे। ठीक है, तो इसके बाद में जब पाई बाई टू रखेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, फिर अपन वापस पाई पे आएंगे, कोस पाई की वैल्यू माइनस वन, ये प्लस वन है तुम्हारे पास में, ये मान लो माइनस वन है, तो कोस पाई की वैल्यू माइनस वन आ गई। ठीक है, इसके बाद में थ्री पाई बाई टू की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये इनफाइनाइट, इसके एक तरफ ऊपर इनफाइनाइट आ गया तो नीचे भी इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा अब इसमें भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने जब बोल दिया कि ये इवन फंक्शन है, तो इस एक्सेस के जैसे इधर बन रहा है वैसा ही सेम इधर बनेगा, तो क्या हो जाएगा ये, देखो जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बनाया, अब जैसे इधर बन रहा है वैसे इधर बनाना होगा, ये बन जाएगा। आगे जब तुम देखोगे तो तुम्हारे पास में ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू sec x का ग्राफ हो गया। एक और बच गया इसके अंदर, नेक्स्ट अपने पास में y इज इक्वल टू cosec x, y इज इक्वल टू cosec x, दिस इज x, दिस इज y, ओरिजिन पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू टू पाई, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू एंड माइनस टू पाई। कोसेक एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स ओड होता है तो ये ओड फंक्शन, ओड फंक्शन मतलब पॉइंट सिमेट्री, जैसा इधर बनेगा वैसे इधर बनेगा, जैसा इधर बनेगा वैसे इधर, क्योंकि ये पॉइंट सिमेट्री होता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। साइन की वैल्यू कहां कहां पे जीरो होती है, पाई पे, ठीक है, टू पाई पे, जीरो पे, माइनस पाई पे, माइनस टू पाई पे। ठीक है, ये जीरो होगा तभी तो ये इनफाइनाइट हो गया, वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट। अब देखो पाई पे क्या होता है साइन एक्स की वैल्यू वन, ये प्लस वन मान लिया मैंने यहां पे, ये माइनस वन, ये वन हो गया। इसके बाद में जीरो पे भी इनफाइनाइट जा रहा है और पाई पे भी इनफाइनाइट जा रहा है, आ जाएगा तुम्हारे पास में, थोड़ा सही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट थ्री पाई बाई टू पे साइन थ्री पाई टू की माइनस वन होती है, ये आ जाएगा। अब इधर तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट सिमेट्री जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा, जैसा इधर बन रहा है वैसे इधर बन जाएगा, दैट मीन्स ये कहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास में, यहां पे ये तुम्हारे पास में ग्राफ हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर तुम बनाना चाहोगे तो ये इधर बन जाएगा, यहाँ पे इधर नीचे की तरफ बन जाएगा, ठीक है। ये वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन ठीक है, पहला देखते हैं y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। इसको सबसे पहले अपन खोल लेते हैं e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x पाई टू इसका फॉर्मूला होता है। इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, x y ओरिजिन, ठीक है। वही तीन पॉइंट रखेंगे, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें, x बराबर जीरो रखेंगे तो e टू द पावर जीरो वन, e टू द पावर माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। x बराबर जीरो पे y बराबर क्या आ रहा है जीरो। सेकंड x बराबर इनफाइनाइट रखो, एट x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, तो डोमिनेंट कौन सा करेगा ये वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू हाई आ रही है, ये डोमिनेंट करेगा किस पे, x बराबर इनफाइनाइट पे। तो x बराबर इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इधर है, y की वैल्यू इनफाइनाइट इधर आएगी, ये चला जाएगा। x बराबर माइनस इनफाइनाइट पे देखो, x बराबर माइनस इनफाइनाइट पे ये तो जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर भी क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, तो y बराबर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। सेकंड y इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2, सेम प्रोसेस है। फर्स्टली x बराबर 0 रखो, 0 रखेंगे तो e टू द पावर 0 1, e टू द पावर माइनस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 बाय 2 1, तो 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इनफाइनाइट रखोगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, ये की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जा रहा है। माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट पे भी वाई की वैल्यू क्या आ रही है प्लस इनफाइनाइट, ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन वाई इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। y is equal to tan hyperbolic x, y is equal to tan hyperbolic x, इसको अपन लिख सकते हैं sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x। इसको ओपन करेंगे तो e to the power x minus e to the power minus x by 2, इसको ओपन करेंगे तो e to the power plus x minus x by 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। सेम प्रोसेस है, x दिस इज y, जीरो रखो, तो जीरो रखेंगे तो e की पावर 0 1, e की पावर माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, ये जीरो आ रहा है, नीचे 2 आएगा, 0 बाय 2 0 0 आएगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होगा। इनफाइनाइट रखो, at x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, y देखो क्या आएगा, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट बनाएगा क्या ये जीरो बनाएगा, ये भी इनफाइनाइट ये जीरो, कहने का मतलब जो वैल्यू ऊपर आएगी वही वैल्यू क्या आएगी नीचे आएगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी वन आ जाएगी। कहने का मतलब y की वैल्यू प्लस वन कब होगी, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, यानी कि इनफाइनाइट पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, यही हो जाएगा। नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू, देखो जब माइनस इनफाइनाइट रखेंगे e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, यहां पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बचेगा, लेकिन ऊपर क्या है नेगेटिव साइन, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे जाके y की वैल्यू माइनस वन आएगी, दैट मींस जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती जाएगी तब जाके इसकी वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास में माइनस वन आएगी, माइनस वन आएगी, तो ये ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन y इज इक्वल टू, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अपने आप से करके देखना, ठीक है ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कोट हाइपरबोलिक x, इसको जब ओपन करेंगे तो कोस बटे साइन, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में x y, x बराबर 0 पुट अप करो,
वन प्लस वन टू हो जाएगा, लेकिन नीचे जीरो बन रहा है, टू बाई जीरो इनफाइनाइट। कहने का मतलब जीरो पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो y is equal to infinite. Second, at x is equal to infinite. Infinite रखेंगे तो देखो ये तो दोनों जीरो जाएंगे इनफाइनाइट पे, मतलब जो वैल्यू ये आएगी वही वैल्यू ये आएगी, तो इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट y is equal to कितना हो जाएगा, जब माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन नीचे माइनस है तो यहाँ पे माइनस वन बच जाएगा। ठीक है, ये प्लस वन ये माइनस वन, ठीक है। अब देखो यहां पे जीरो पे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, एक्स बराबर जीरो पे इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक्स बराबर इनफाइनाइट पे वाई बराबर वन, इनफाइनाइट पे जाके वाई बराबर वन को अप्रोच करेगा ये, ठीक है। ऐसे जीरो की तरफ जाएगा, ऐसे ही तुम्हारे पास में नीचे की तरफ आ जाएगा। चेक कर सकते हो तुम, क्या जीरो पे जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, क्या माइनस इनफाइनाइट पे माइनस वन की तरफ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे देखो माइनस इनफाइनाइट पे ये माइनस वन को अप्रोच कर रहा है, हो गया। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू sec हाइपरबोलिक x, एंड सेकेंड है y इज इक्वल टू cosec हाइपरबोलिक x, हाइपरबोलिक x। ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये करना और कमेंट करना, ठीक है। तो अपने यहां तक ग्राफ हो गए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे किसके ग्राफ देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जैसे y इज इक्वल टू, अभी तो अपन ने x x स्क्वायर देखा है, 1 अपॉन x के, 1 अपॉन x माइनस 2 के, 1 अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 2, इस टाइप के ग्राफ देखेंगे। गाउसियन वेव फंक्शन क्या होता है वो बताऊंगा, लोरेंजियन वेव फंक्शन क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अपन कुछ स्पेशल फंक्शंस देखेंगे, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू अपन देखेंगे log साइन x का ग्राफ, ठीक है, y इज इक्वल टू log x का ग्राफ, y इज इक्वल टू x log x का ग्राफ, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर log x का ग्राफ, मतलब जितने भी ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं जो कि अपन अपने क्वांटम मैकेनिक्स में यूज में आएंगे, काम में आएंगे, वो सभी ग्राफ अपन देखेंगे, है ना। जैसे e टू द पावर x स्क्वायर ये किसका ग्राफ होता है, e टू द पावर माइनस x स्क्वायर किसका ग्राफ होता है, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे पास में इस टाइप का ग्राफ आएगा, दिस इज द गाउसियन वेव फंक्शन, ठीक है। ऐसे अपन लोरेंजियन वेव फंक्शन क्या होता है उससे जेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सभी जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स हैं जो अपने यूज में आएंगे वो सभी अपन ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कमेंट करके बताना अगर समझ में नहीं आता है, हो सकता है कि मैं थोड़ी स्पीड से चल रहा हूं, मैं चल भी रहा हूं स्पीड से, उसका रीजन ये है बिकॉज मैं चाहता हूं कि 4 से 5 लेक्चर के अंदर ग्राफ थ्योरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा स्पीड से चलना होगा क्योंकि फिर बाद में अपन जैसे ही ग्राफ थ्योरी खत्म हो जाएगी नेक्स्ट वीक के अंदर अपन ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।